दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि में क्या क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करनी चाहिए वो बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि के दौरान कोई विधि विधान से पूछा कर तो कोई व्रत रख कर माता को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा करने से माता रानी भक्तों की मनोकामनाएँ पूरी करती हैं। वही नवरात्रि के दौरान कुछ कार्य वर्जित रहते हैं। माना जाता है कि इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं जिनका नवरात्रि के दौरान ध्यान रखना जरूरी होता है। दोस्तों, पहला काम है नवरात्रि के दौरान लहसुन प्याज और नॉन वेज का सेवन नहीं करना चाहिए। वही इस दौरान शराब गुटखा पान मसाला तम्बाकू के सेवन भी से बचना चाहिए। कहते हैं कि नवरात्रि में इन चीज़ों का सेवन करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। कार्य नंबर दूसरा, वही नवरात्रि के 9 दिन दाढ़ी मूछ और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दौरान यह काम वर्जित माने जाते हैं। कहते हैं इससे जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है और माता दुर्गा नाराज हो जाती हैं। अगर आपने नवरात्रि में घर के कलश स्थापना की है और अखंड ज्योति जलाई है या फिर माता की चौकी का आयोजन किया है तो घर को बिल्कुल भी खाली छोड़कर ना जाएं, जिससे माता रानी नाराज हो जाएं। कार्य नंबर 4, नवरात्रि की पूजा के दौरान भी कई चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। पूजा के समय काले कपड़े पहन उचित नहीं माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के दिनों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कार्य नंबर 5, नवरात्रि में व्रत रखे वाले लोगों को अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत खोलने के लिए कुट्टू का आटा, आलू, मेवा, मूंगफली समेत दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मिर्च वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कार्य नंबर 8, विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के दौरान इस दिन के वक्त सोना नहीं चाहिए। कार्य नंबर 9, नवरात्रि के दौरान नींबू का इस्तेमाल करना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नींबू को काटने वाली के समान होता है, इसलिए नवरात्रि में नींबू प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।